वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक। इस सीरीज में कई सारे प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वीडियो, और ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी जितने भी बैंक की चर्चा हम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की, 6 PSU बैंक और एक IDBI बैंक जो PSU नहीं है, उन्होंने सभी ने कुछ कैपिटल रेजिंग के प्लान बनाए हुए हैं जिनको पहले वाले प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं किया था, इसमें उनको इंक्लूड किया है। और इनके सभी के अभी जो है तिमाही, पहली तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, उनके बारे में चर्चा किया है। उस हिसाब से ये प्रेजेंटेशन पहले वाले प्रेजेंटेशनों के को जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे की जानकारी इसमें दिया गया है। तो जिस प्रकार से घोषणा हुई थी कि 6 बैंक PSU बैंकों का निजीकरण हो सकता है, और पहले चरण में 3 बैंकों की सूचना मिली थी, उसके बाद IDBI को इंक्लूड करके 4 बैंकों का जो है फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, और बाकी उसके बाद सेकेंड स्टेज में ये भी जो 3 बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, इनका प्राइवेटाइजेशन का एक्सरसाइज होगा। तो ये खबर शुरू हुई थी 22 जुलाई से, जब दीपम के जो सेक्रेटरी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था फिक्की के सेमिनार के अंदर। उसके बाद लोगों ने उसी से अनुमान लगाया कि जब स्ट्रेटजिक सेक्टर में सिर्फ 4 रहेंगी तो कौन सी बैंक रह सकती है। SBI तो रह नहीं आएगी, नहीं प्राइवेटाइजेशन के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं आएगी, PNB भी नहीं आएगी, यूनियन बैंक भी नहीं आएगी, कैनरा बैंक भी नहीं आएगी, इंडियन बैंक भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनको अभी अभी इनमें जो है अभी जो मर्जर एक्सरसाइज हुआ है वो अभी वो प्रोसेस में है। उसके बाद जो बाकी 6 बची बैंक हैं उनके वो वही नाम है जो पहले से चल रहे हैं। उसके बाद फिर जो है 1 अगस्त को जो है 3 बैंकों की लिस्ट आ गई, कि उसमें जो ये खबर आई है कि PMO ने जो है वित्त मंत्रालय को जो है ये सिफारिश भेज दी है। अभी लेटेस्ट 18 अगस्त को जो मिला है न्यूज़, वो ये मिला है कि PMO ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख के बोला है कि भाई ये जो है सब काम जो है 3-4 बैंक का जो है 21 मार्च के पहले पहले खत्म कर लीजिए। तो उसके साथ जो अभी हम नया इसमें बात कर रहे हैं, बैसल 3 नॉर्म है, 2009 में बने थे, उनमें ये था कि इनको बैंकों को एक मिनिमम कैपिटल जो है 12.9% रिजर्व रखना होता है। तो अभी कई बैंकों का, ज्यादा से ज्यादा बैंकों का 13% से कम ही है, बट इनको कई बार एक्सटेंशन हुआ। अभी जो एक्सटेंशन है 1 जनवरी 2022 तक जो है इनको 13% के करीब करना है। तो उस चक्कर में जैसा बाकी भी मीडिया में जानकारी होगा, खाली यही 5, 6, 7 बैंक नहीं, बाकी भी सभी बैंक अभी जो कैपिटल रेज प्लान कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। कोई IPO आ रहा है, कोई FPO आ रहा है, कोई QIP की रूट से कर रहा है, कोई अपना बॉन्ड के तरीके से, मतलब टायर टू कैपिटल जो अपना बढ़ा रहे हैं। तो इनमें जितनी बैंकों की हम चर्चा कर रहे हैं, 7 बैंकों की, उनमें सभी में ये देखा गया कि सभी का कुछ ना कुछ कैपिटल रेजिंग का प्लान है, और कैपिटल रेजिंग का प्लान है और साथ साथ जो है उसका प्राइवेटाइजेशन का भी प्लान है। तो कौन सा पहले होगा, ये थोड़ा सा उसकी वैल्यूएशन वगैरह पे फर्क पड़ेगा और किस रूप में हो, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दिया किसी भी बैंक ने कि वो FPO लाएंगे या QIP के थ्रू करेंगे, राइट इशू होगा या पब्लिक होगा, वो क्लैरिटी नहीं है अभी। जैसे IDBI बैंक में तो AGM में अप्रूवल भी हो गया, मगर वो अभी तक कुछ SEBI के पास गए ही नहीं है इशू के लिए। तो धीरे धीरे पोस्टपोन कर रहे हैं और थोड़ा सा देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कोविड का जो कितना उनका हिट होने वाला है, कुछ कुछ बैंकों में इम्प्रूवमेंट भी मिला है परफॉर्मेंस में। तो कितना कैपिटल रेज करना है और किस प्रकार से करना है, QIP से करना है या पब्लिक से करना है, उस पे हमारा टोटल जो है डिपेंड करता है। तो ये चर्चा किए थे पहले भी, PMO ने चिट्ठी उट्टी लिखा है, और इनमें जो सबसे स्पेशल होगा वो IDBI बैंक का रहेगा, क्योंकि IDBI बैंक में तो कंट्रोल तो LIC के पास है, और जो भी सेल सरकार करेगी, स्टेक सेल करेगी, वो माइनॉरिटी होगा, मेजोरिटी तो होने वाला नहीं है। और LIC ने ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया कि वो अभी इसको जो है अपना कंट्रोल IDBI का देने वाले हैं किसी को। तो इसमें उम्मीद है कि IDBI का जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, उसका काफी अच्छा वैल्यूएशन भी इसलिए नजर आ रहा है अभी बाजार में, क्योंकि उसमें अच्छे प्राइवेट इक्विटी या कॉर्पोरेट
QIP जो है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट उसमें आएगा, क्योंकि अदरवाइज बैंक प्राइवेट बैंकों के लिए जो है बाजार में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना अभी देखिए पिछले 30-20 साल में 3-4 बैंकों को खाली लाइसेंस मिला है, बाकी जब भी कोशिश किया रिजर्व बैंक ने ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाया तो बहुत दावेदार थे मगर किसी को मिला नहीं। तो डिमांड तो बहुत है, प्राइवेटाइजेशन ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बैंक को खरीदने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, बस ये अलग बात है कि उसमें RBI के बहुत सारे नियम कानून रहते हैं और सीलिंग है जगह जगह। जैसे इंदुसिंध बैंक में अभी जो है वो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, उनको बढ़ाने नहीं दिया, उसी तरह से बाकी जो भी है उनको सबको घटाने के लिए अपना जो टाइम बाउंड मैनर में LIC को भी बोला गया 12 साल का समय मिला 51% से अपना घटा घटा के जो अपना RBI का जो नॉर्म है उसमें आना है। तो ये तो पुरानी थी स्टोरी, स्ट्रेटेजिक सेक्टर 18 होंगे, 18 में से एक बैंक होगा और बैंक में ये 12 है, 12 में से 5-6 अभी ले लिए हैं। बाकी अभी हमने जो है क्या किया इसमें सारे बैंकों के जो फर्स्ट क्वार्टर, ये 7 बैंक जो भी चर्चा कर रहे हैं इनके फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं उनको कंपेयर किया, वन मतलब साइड बाय साइड कंपेयर किया, तो उससे पता लगता है पोजीशन किसका क्या है। तो पहले तो देख रहे थे पंजाब एंड सिंध बैंक तो लॉस में, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कुछ खास नहीं हुआ, बहुत ही मामूली आप बोलिए तो इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन बाकी सब बैंकों में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोई सी भी हो, बैंक हो, महाराष्ट्र हो, यूको हो, IOB हो, IDBI हो, सेंट्रल बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, हर एक फ्रंट पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रोविजन कम किए हैं, क्योंकि आज लगता है मैनेजमेंट फील कंफर्टेबल विद द प्रोविजन दे ऑलरेडी हैव, एंड इसीलिए नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हो गया, ग्रॉस NPA घट गए हैं परसेंटेज टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में नेट NPA भी घट गए हैं, और मार्केट कैप अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, बुक वैल्यू घट गई क्योंकि प्रोविजन हुए हैं। तो इसमें जो अगर वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो अभी बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा वैल्यू नजर आता है, क्योंकि इसका देखिए बुक वैल्यू है 114 और मार्केट कैप भी जो है इसका 15-16 हज़ार करोड़ है, जबकि बड़ा बैंक है ये। दूसरी वो कंपेयर कीजिए IDBI बैंक का जो तो इनकम लेवल जो है 6 हज़ार करोड़ है, इसका 12 हज़ार करोड़ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट डबल है मगर प्राइस आधे से भी कम है, वो 43,000 करोड़, 44,000, 45,000 करोड़, तो अरे 15 या 45 करीब 3 गुना है, तो इसका उतना अट्रैक्टिव है। उसका कारण थोड़ा सा ये है कि अभी जैसे बैंक ऑफ इंडिया का अभी तो डाइवेस्टमेंट नहीं होगा, इनका कैपिटल एजुकेशन वही है लिमिट में है, तो कैपिटल रेजिंग प्लान है उसमें डाइल्यूशन हो जाएगा, वो खाली थोड़ा रिस्क है, अदरवाइज बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। दूसरा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का जो है वो IDBI से तुलना कीजिए तो वो भी आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसी लेवल का है, मगर इसमें NPA थोड़ा ज्यादा है, नेट लेवल पे प्रोविजन करना बाकी है मगर ग्रॉस लेवल पे कम है, तो ये अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। बस इसमें ये है कि इनका भी तो प्राइवेटाइजेशन सेकेंड स्टेज में होगा तो उतना वेट करना की जरूरत पड़ेगी। IOB में जो अभी जो है ये वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेस वैल्यूएशन है। यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छा हमको लगता है, पर वैल्यूएशन जो है ठीक ठाक है उसका, बहुत कम नहीं है बट अच्छा उसमें परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी उसमें देखा गया है। तो दूसरा असेट का कंपेयर किया हमने, देखिए जो IDBI बैंक के असेट है उसके बैंक ऑफ इंडिया के असेट करीब 3 गुने हैं और इक्विटी उससे 1/3 है, तो ये चीज होती है वो मैटर करती है बहुत ज्यादा। और बाकी जो कवरेज रेशियो IDBI ने बहुत ज्यादा करके रखा हुआ है, PCA से बाहर आना है, और बैंक ऑफ इंडिया तो पहले ही 2 साल पहले PCA से बाहर आ चुकी है इसलिए उसको वो वाली इश्यू ज्यादा नहीं है। कासा लेवल में IDBI बेटर है और निम्न दो में कुछ खास नहीं, इनको 4% तक पहुंचना होगा सबको, जब तभी इनको हम बोलेंगे कि ये अच्छे स्थिति में पहुंच गए हैं।
पहली तिमाही में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट हैं ये देख लीजिए, हमारे उसमें प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए थे पहले बारे में, और ये इनकी परफॉर्मेंस है, इम्प्रूवमेंट है ऑलराउंड, एनपीए में, कासा में, सब में। निम में इनका प्रॉब्लम है, निम बहुत कम है, उसी में इम्प्रूवमेंट लाना है। यूको बैंक का है, यूको बैंक ने भी अभी 2 क्वार्टर में जो है पीसी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, 2 क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, बड़ी नाम का सही है, 10-15-20 करोड़ प्रॉफिट कुछ नहीं होता इनके लिए। तो मेन उद्देश्य है कि उससे बाहर आना है, उनको पीसी से बाहर आना है, वो कोशिश कर रहे हैं उसकी, आ जाएंगे तो अच्छा है। परफॉर्मेंस अदरवाइज काफी अच्छा है इनका, असेट क्वालिटी बहुत इंप्रूवमेंट है, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है। आईडीबीआई ने अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है, पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है और अभी इस हिसाब से एलिजिबल हो गए पीसीए से बाहर आने के लिए, और चर्चा है कि लोग आरबीआई को अप्लाई करेंगे और पीसीए से बाहर आ जाएंगे। टैक्स प्रोविजन जो देखते हैं प्रॉफिट से करीब डबल के करीब टैक्स प्रोविजन किया, इसका मतलब उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में भी इनको जो है अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है 39% की ग्रोथ हुई है, कासा में 440 BPS इंप्रूवमेंट हुआ है, और पीसीआर जो है इनका हाईएस्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो 94.7% की पास है। नीम जो है 2.81 है, इनमें काफी सुधार की जरूरत है 4% तक लाने के लिए, और ये कंसिस्टेंट असेट क्वालिटी में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है 8% से लगा के नेट एनपीए जो है 3.55 आ गया, मगर यहाँ ग्रॉस एनपीए 29 से 28-26 जो है, इसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट जो है नहीं नजर आया, कि बाकी बैंकों में जब आप देखते हैं तो उनमें बहुत इंप्रूवमेंट नजर आया है। ये आईओबी के हैं, रीजनेबल टाइप के रिजल्ट हैं, तो 2 क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया, ये भी पीसी के अंदर है पीसीए में, मगर इनके जो एमडी है उनका कहना है कि हमको पीसी से बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तब हम कोशिश जाएंगे आरबी के पास पीसी से बाहर आने के लिए, उसके पहले आरबी अपने आप अगर निकाल दे तो निकाल दे। ये इनकी परफॉर्मेंस की हाईलाइट है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सब कट गए, नेट एनपीए में कितना सुधार दिखने मिल रहा है 11% से 5%, और ग्रॉस में भी 22% से जो है 13% आ गया, 14%, तो इस तरह से है, कासा थोड़ा थोड़ा इंचिंग अप हो रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 72 से बढ़ा के 88 करीब हो गया है, और निम्मा ऑलमोस्ट 2.0 में 2.08 है, तो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। सेंट्रल बैंक का ऐसा ही है, 2 क्वार्टर में प्रॉफिट था, उसके बाद मार्च में इन्होंने अच्छा प्रोविजन किया, अब लॉस डिक्लेयर किया, अभी फिर प्रॉफिट में है, तो ऐसे परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा मामूली बढ़ गया है और पिछले साल के मुकाबले, लेकिन वो Q4 में इन्होंने अच्छा प्रोविजन करके वो किया अपना एनपीए को घटाया, निम में इम्प्रूवमेंट हो गया, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया है और प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ाया, अभी इनका बाकी सबसे तुलना करें तो कम है, और कैपिटल एडिक्वेसी कम हो गया, ग्रॉस एनपीए इम्प्रूवमेंट हो गया, नेट एनपीए में इम्प्रूवमेंट हो गया, फिर भी इनका नेट एनपीए बाकी के तुलना में ज्यादा है। अब बैंक ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे, तो बैंक ऑफ इंडिया में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ये हमको इस सब में बहुत अच्छा लगता है, वैल्यूएशन वाइज और बाकी सब बहुत सारे पैरामीटर्स में बैंक ऑफ इंडिया इन सभी बैंकों में अव्वल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा है, खासा इम्प्रूवमेंट दिखाया है उसने, और कैपिटल एडिक्वेसी के अलावा बाकी हर एक पैरामीटर में जो है इनको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला, बस उसके लिए वही है, दे हैव टू रेस कैपिटल टू इम्प्रूव दिस कैपिटल एडिक्वेसी, वही जो डाइल्यूशन होने का है वो एंगल को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो है सुधार नहीं हुआ, घट गया 2.6 से 2.48 हो गया, और बाकी जो है एनपीए लेवल में सुधार हो गया, प्रोविजन कवरेज में सुधार हो गया, तो बहुत परफॉर्मेंस उस हिसाब से काफी अच्छा है।
काशा भी इम्प्रूव हो गया इन नंबर बट परसेंटेज में नहीं हुआ। पंजाब एंड सिंध बैंक ने तो लॉस डिक्लेयर कर दिया, उसके बारे में कुछ चर्चा करने का भी कोई उतना है नहीं, उसका वैल्यू भी ऐसे ही है, वह छोटा है। देखिए अब ये पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको कौन सा पैरामीटर को कितना तवज्जो देना है। मार्केट कैप को देना है, हाई लो को देना है, बुक वैल्यू को देना है, प्राइस टू बुक वैल्यू को देना है, ईपीएस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनकम, नेट प्रॉफिट, स्लीपेज, प्रोविजन कवरेज रेशियो, प्रोविजन, एसेट क्वालिटी। तो किस उस हिसाब से आप 6-7 पूरा डाटा इसमें हमने पेश कर दिया, आपसे आसान हो जाएगा कि कैसे हमको पूरा डाटा एक जगह उपलब्ध है। यू कैन कंपेयर 7 बैंक्स एंड इफ यू वांट टू डिसाइड टू गो फॉर वन, यू कैन वेरी वेल टेक डिसीजन। ऑल द डाटा इज अवेलेबल एंड फर्दर डिटेल ऑफ ईच बैंक्स आर अवेलेबल इन आवर प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट फॉर आईडीबीआई बैंक, जिसका प्रेजेंटेशन अभी आने में टाइम है, और यूनिवर्सिटीज का तो आ ही गया है, बाकी 6 की 6 का आ चुका है। तो ये पूरा था जानकारी, 6-7 जो बैंक हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि आपको काफी इसमें जानकारी जो है मिल जाएगी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के जरिए और जो नरेशन के जरिए, और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में आपको अपडेट मिलता रहेगा, नया नया जो भी हैपनिंग होगा अपडेट होगा प्रेजेंटेशन में या एफपीओ में, एफपीओ आएगी या क्यूआईपी आएगी उसके बारे में जानकारी बराबर मिलता रहेगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।